आगरा से आपको खबर बता दें, कपड़ा व्यापारी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। 24 घंटे के अंदर हरि पर्वत पुलिस को मिली है सफलता। कार निकालने को लेकर हुआ था ये विवाद और हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। आपको बता दें 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। बड़ी सफलता यहां पर पुलिस को भी मिली है। कार निकालने को लेकर ये विवाद हुआ था, हत्यारोपी राजीव अग्रवाल पुलिस की हिरासत में है। बड़ी सफलता यहां पर पुलिस को मिली है। 24 घंटे के अंदर ही हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया है पुलिस की तरफ से। हत्यारोपी के पास से पिस्टल भी बरामद करी गई है। 24 घंटे के अंदर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। मैदा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और 24 घंटे के अंदर ही पुलिस को बड़ी सफलता लगी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से पिस्टल भी पुलिस ने बरामद की है। कार निकालने को लेकर यह विवाद हुआ था जिसके बाद मैदा व्यापारी की हत्या कर दी गई थी। हत्यारोपी राजीव अग्रवाल पुलिस की हिरासत में है। पुलिस को यहां पर बड़ी कामयाबी लगी है और हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल भी पुलिस ने बरामद कर ली है। हत्यारोपी राजीव अग्रवाल पुलिस की हिरासत में है। 24 घंटे के अंदर पुलिस को बड़ी कामयाबी लगी। हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया। मैदा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कि रात में शहर के सबसे महत्वपूर्ण चौराहे वाटरबक्स चौराहे पर एक कपड़ा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और घटना जो है मोटरसाइकिल और कार के टकराने के बाद झगड़े में की गई थी, लेकिन अभियुक्त की जानकारी न होने के कारण और सनसनीखेज घटना होने के कारण हम सभी लोगों ने SPCT के निर्देशन में कई टीमें बनाई और कल 12 घंटे के अंदर उस घटना का सफलतापूर्वक अनावरण करते हुए जो अभियुक्त मेन अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त के निशानदेही पर जो घटना में उसने कार उपयोग किया था वो बरामद कर ली गई है, जो उसकी लाइसेंसी वेपन थी जिससे उसने फायर कर हत्या की थी। गाजियाबाद से आपको खबर बता देते हैं, गैंगरेप की रची फर्जी कहानी मसूरी।